व्यक्ति का ऑरा ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग प्रभावित हो सकें। तो ये चीज यदि आप चाहते हैं, तो आप यदि ओम क्लीम कामदेवाय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो मंत्र जो है आपको फलित होगा। इस मंत्र का उपयोग आपको कहाँ कहाँ करना है? यदि आपका पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका में मतभेद चल रहा है, आपके कार्यालय में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, या आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होता है, तो आपकी आंखों में चमक किस प्रकार से आए, इन सब चीजों के लिए आप यदि इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कई गुना ज्यादा लाभ होगा। इस मंत्र का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है? किसी भी दिन ऐसे तो आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार, किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यदि प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा। ऐसे यदि आपकी इच्छा है तो आप कभी भी कर सकते हो, उसका आप इंतजार ना करें। आपको क्या काम करना है? पूज्य स्थली पर स्नान आदि करने के पश्चात आप बैठ जाएं और 108 बार आप जो है ओम क्लीम कामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना है तो उगते हुए सूर्य में जो है ध्यान करें कि वो प्रकाश पुंज आपके शरीर के अंदर आ रहा है। आपके पति पत्नी में मतभेद है तो आप उसका ध्यान करें। आप पति है तो पत्नी का ध्यान करें, पत्नी है तो पति का ध्यान करें, प्रेमी है तो प्रेमिका का ध्यान करें, प्रेमिका है तो प्रेमी का ध्यान करें, और आंख बंद करके उगते हुए सूरज में जो है उसका ध्यान करें, और ध्यान करें कि वो जो है आपके प्रति आकर्षित होते हुए चला जा रहा है और आपके अंदर जो है उसकी भावनाएं आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो दोनों के अंदर ऐसा तारतम्य बैठ जाएगा कि कुछ दिनों के पश्चात में एक दूसरे के अंदर जो कड़वाहट आ गई थी, एक दूसरे के अंदर जो दबाव की स्थिति आ गई थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने चालू हो जाएगी और आपकी आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको करना है। तो जब आप पूजा करेंगे तब तो आपको क्या काम करना है? कमर सीधी करके बैठना है। पहले जो है आप 10 बार जो है प्राणायाम कर लें, सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें, इस प्रकार से। उसके पश्चात में ओम क्लीम कामदेवाय नमः, 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 इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति को आपको आकर्षित करना है, जिस भी व्यक्ति को आपको अपने समीप लाना है, उस व्यक्ति का ध्यान आप उगते हुए सूरज में करें, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा। तो ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आकर्षण में, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान आपको होगा। पति पत्नी के मतभेद, प्रेमी प्रेमिका के मतभेद, ये दूर होंगे। इन मंत्रों का अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तरफा यदि आपके कहीं प्रेम चल रहा है तो उसके लिए इस प्रकार के मंत्रों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके लिए लाभ की जगह आपको